प्रातः क्लास है 18 अप्रैल 1967। रिकॉर्ड चला है 5 की दुनिया से दूर कहीं ले चल। बच्चों ने ये भक्तों का गीत सुना। क्या भक्तों का? क्यों? ज्ञानियों का गीत नहीं है। भक्तों का गीत क्यों है, ज्ञानियों का क्यों क्यों नहीं? ज्ञानियों को तो पाप की दुनिया से दूर नहीं जाना है क्या? जाना तो है। फिर ऐसे क्यों कहा कि ये भक्तों का गीत है? है? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो मांगने की इच्छा वाले होते हैं, और जो बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं वो सब कुछ अपने पुरुषार्थ से लेते हैं। अपनी हिम्मत और उमंग उत्साह से लेते हैं। इसलिए कहा कि ये भक्तों का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो मांगने की ना, यानी आत्मा बच्चे मांगनी करेंगे या ऐसी अपनी अवस्था बनाएंगे? अवस्था बनाएंगे। जब चाहे एक सेकंड में तो पाप की दुनिया से दूर परमधाम वासी बन सकते हैं। और जब चाहे इस दुनिया में साकार स्टेज में रह सकते हैं। एक सेकंड में साकारी, दूसरे सेकंड में आकारी और तीसरे सेकंड में निराकारी। ये साकारी, आकारी और निराकारी बनने की प्रैक्टिस एक सेकंड तक पहुंचनी, लेकिन किनकी? भक्तों की या ज्ञानियों की? ज्ञानियों की ऐसी अवस्था होगी। तो अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो। कैसे? हे बाबा, इस पाप की दुनिया से हमको दूर कहीं ले चलो। नहीं कहते हो तो क्या करते हो? ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हो कि जब चाहे इस पाप की दुनिया से अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को डिटेच कर ले। कोई कुछ भी कहता रहे, गाली देता रहे, टॉन्ट मारता रहे, सुना सुना अनसुना कर दिया। कोई कुछ भी उल्टा पलटा कर्म हमारे सामने करता रहे हमको दुख देने के लिए। ऐसी स्टेज बना ले कि आंखों से देखते हुए नहीं देखते। तुम तो कहते हो हमको ऊंच से ऊंच बाप मिला है, ऊंचे बाप मिला है तो ऊंचे बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? ऊंचे होंगे। जो ऊंचे स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, जिनके अंदर ऊंचेपन का स्वाभिमान होता है, वो भीख मांगना पसंद करते हैं क्या? नहीं करते। तुम जानते हो हमको ऊंचे बाप मिला है, हम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं तुम्हारे अलावा, वो सब नीचे से नीचे हैं। अपन को ऊंचे समझना और दूसरों को नीचे समझना ये अच्छी बात है क्या? है? अच्छी बात तो नहीं है। फिर हाँ, जिनको ये नशा होगा क्या हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने हैं? ऊंचे से ऊंचे बाप हमको मिला है तो उनकी बुद्धि में समझ में ये आ जाएगा कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। बाकी सारी दुनिया हमारे मुकाबले नीचे है। दृष्टि, वृत्ति, कर्म इंद्रियों की कृति सब नीचे स्टेज वाले हैं और हम ऊंची स्टेज वाले हैं। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो अपने ऊंच कुल का नशा रहता है ना। कोई राजा का बच्चा होता है तो उसको नशा रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं। जो ऊंचे होते हैं अपने से नीचे वालों को मुख से नहीं कहते, सामने होकर मुख से नहीं कहेंगे कि तुम हमसे नीचे हो। ये सभ्यता के बरखिलाफ बात है, दूसरे को डाउन करने वाली बात है। ऊंचे बाप का बच्चा ऊंची मेंटेलिटी वाला होगा, भला अंदर से समझता है लेकिन बाहर से दूसरों को डाउन करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। हम समझते हैं कि ऊंचे से ऊंचे मनुष्य भी भारत के ये देवी देवताएं हैं। भारत ऊंचे से ऊंचे था, हाँ, अभी नहीं। इनकी महिमा है, इनकी इसकी बात हो रही है। भारत की, तो भारत की बात हो रही है तो इनकी क्यों कहा, इसकी क्यों नहीं कहा? है भारत माता, है जो लक्ष्मी नारायण की चित्र की तरफ इशारा किया। भारत की बात हो रही है और लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया कि इनकी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये भारत की महिमा है, ऐसे नहीं कि भारत माता कहा जाता है तो पिता नहीं होगा। भारत माता कोई विधवा होगी नहीं, भारत में विधवाओं को मान्यता नहीं दी जाती। जो सदवाएं होती हैं उनको मान्यता दी जाती है। क्या बात हो गई? अरे सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। विधवाएं तो बेचारी और ही दुखी है, उनका पति से वियोग हो गया तो उनको नीची दृष्टि से क्यों देखना चाहिए? सदवाओं की भारत में क्यों महिमा होती है, विधवाओं की क्यों नहीं? विदेशों में तो विधवाएं होती है तो क्या करती है? पटाख से दूसरी शादी कर लेती है, सदवा बन जाती है। तो सदवा बन जाती है क्या? है? सदवा नहीं बन जाती। हमारी बुद्धि में है कि जो भारत में विधवा बन जाती है, पूर्व जन्म में उन्होंने कोई ऐसे खोटे कर्म किए हैं जिसके कारण उनका विछोह हो जाता है। बाकी सन्मुख बोलने की बात नहीं है, व्यक्तिगत किसी को बोलने की बात नहीं है। सदवाओं की पूजा होती है, सदवाओं की मान्यता होती है, क्योंकि भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं और सात धर्म वाले निवृत्ति मार्ग के हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग को तरजीह नहीं देते और भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग को ऊंचा उठाता है। अब नीच मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। इन देवताओं को माने किन देवताओं को? लक्ष्मी नारायण को। जिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, गीता में गायन है, नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने, तो इनको इतना ऊंच किसने बनाया? कोई ने तो बनाया होगा। तो किसने बनाया, इसका क्या जवाब आवेगा? है? शिव बाबा ने बनाया या शिव बाप ने बनाया? कोई कहते हैं बाप ने बनाया, कोई कहते हैं शिव बाबा ने बनाया। है बाबा ही होगा। अरे बनाने वाला रचयिता हुआ, बनाने वाला रचयिता, और जो रचना बनी वो भी साकार होनी चाहिए। रचयिता भी साकार होना चाहिए भगवान आवेंगे तो जरूर भगवान भगवती बनावेंगे। तो वो भगवान का रूप कौन? और भगवान ने जो भगवान भगवती बनाए वो कौन? भगवान भगवती कहेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले। वास्तव में भगवान अकेला होता है, इसलिए कहा जाता है गॉड इज वन। दो नहीं हो सकते माता जी, नहीं तो दो को याद करना शुरू कर देंगे। दो को याद किया तो क्या घाटा हो जाएगा? हैं? दो साकार स्वरूपधारी सभी एक जैसे ऊंचे नहीं हो सकते। अंतर जरूर होगा। 500-700 करोड़ की माला है तो माला में तो नंबरवार ऊंचे और नंबरवार नीचे होते हैं। अगर दो को ऊंचे रख दिया जाए समान रूप से तो ये नहीं कह सकते कि ऊंचे से ऊंचे बाप को याद किया। तो नारायण और लक्ष्मी जब कहा जाता है तो लक्ष्मी का नाम आगे देते हैं या नारायण का नाम आगे देते हैं? लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में। तो कौन बड़ा हुआ? शिव शंकर कहते हैं तो कौन बड़ा हुआ, कौन छोटा हुआ? जो बड़ा हुआ शंकर छोटा हुआ। तो लक्ष्मी नारायण कहने से ही साबित हो जाता है लक्ष्मी ऊंची और नारायण नीचा। तो फिर भगवान कौन हुआ? न लक्ष्मी भगवान है न नारायण भगवान है। लेकिन नारायण तो भगवान समान होता है, भगवान एक तो शिवबा। नारायण को कोई नारायण बाबा नहीं कहता। सन्यासी भल कहते हैं दरवाजे दरवाजे पे जा करके ओम नमो नारायण। हम नारायण को नमन करते हैं, उनके अंदर ये नमन करने के संस्कार संगम युग से पड़ गए। संगम युग की अंतिम स्टेज में उन्होंने रियलाइज कर लिया कि हम ऊंचे नहीं हैं, ये लक्ष्मी नारायण हमसे भी ऊंचे हैं। परंतु साकार नारायण को तो याद नहीं करते, इसको याद करते हैं। वो भी निराकार को याद करते हैं। निराकार का मतलब ये है जिसने निराकारी तेज को धारण कर लिया। ऐसी निराकारी तेज नारायण की नहीं दिखाते, लक्ष्मी की नहीं दिखाते हैं, विष्णु की नहीं दिखाते हैं, ब्रह्मा की नहीं दिखाते हैं, किसकी दिखाते हैं? शंकर की दिखाते हैं। नारायण को देव देव महादेव नहीं कहा जाता और शंकर को देव देव महादेव कहा जाता है। नारायण को पवित्र कहेंगे या पवित्र चोला कहेंगे? पवित्र चोला है। और शंकर का चोला दोनों तरह का दिखाया जाता है, दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं, मना पतितपना भी दिखाते हैं और पावन क्लीन शेप भी दिखाया जाता है। वो संपन्न स्टेज है, वो निराकार जो एवर प्योर कहा जाता है वो बिंदी रूप में नहीं कहा जाता। बिंदी के एवर प्योर और एवर इम्प्योर होने की कोई बात ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिलता कि कौन सी बिंदी प्योर और कौन सी बिंदी इम्प्योर। जब वो शरीर में आकर के एक्ट करती है तब कहा जाता है एवर प्योर। ऐसा एवर प्योरिटी का पाठ बजाने वाला और संसार में कोई भी साकार मनुष्य नहीं हो सकता। वो मनुष्यों का बाप है, मनुष्यों का ही नहीं राक्षसों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है, इसलिए वो ही साकार स्वरूप गॉड फादर कहा जाता है। और तब तक गॉड फादर कहा जाता है जब तक एक शिव सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश है। साकार रूप में अकेला है, उसकी सानी कोई नहीं हो सकता, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। इसलिए बोला कि नीच मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया, किसने बनाया? अरे वकील को वकील कौन बनाता है, जज कौन बनाता है? इंजीनियर को इंजीनियर कौन बनाता है? तो देवताओं को बनाने वाला कोई देवता ही होना चाहिए। अभी तो बिल्कुल ही पतित नीच मनुष्य हो गए हैं। क्या इसलिए वो इशारा दिया? दुनिया वाले तो फिर भी मान जाते हैं समझाने से कि ऊंचे से ऊंचे पाठधारी कौन। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नीचे से नीचे पतित बुद्धि वाले हैं कि उनको कितना भी समझाओ उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तो नीच बुद्धि कहेंगे या ऊंची बुद्धि कहेंगे? जरूर कहेंगे नीच बुद्धि। नीच कुल के नीच धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। जन्म जन्मांतर नीच कुल में कन्वर्ट होकर रहे हैं, नीच धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे हैं। इसलिए ऐसी सिंपल बात भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए बोला बिल्कुल ही पाकिस्तान नीच हो गए। ये है ही नीचों की, तुच्छ मनुष्यों की, तुच्छ बुद्धियों की दुनिया। और बाप है ऊंचे से ऊंचे। साधु संत आदि सब ऊंचे से ऊंचे बाप की साधना करते हैं। बुद्धि को साधते हैं। इंद्रियों को साधते हैं। साधना माना है, साधना माना नीचे न गिरने पाए ऐसा प्रयास। मन बुद्धि की साधना करते हैं, इंद्रियों की साधना करते हैं, ज्ञान इंद्रियों की साधना करते हैं। जैसे दृष्टि पतित न हो जाए, कहाँ तक दृष्टि और वृत्ति चंचलता से परे गई है। ऐसी साधना करते हैं। ऐसे प्रयास करने वाले साधुओं आदि जो भी हैं, उनके पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प से भटकते रहे। साधना करते हैं, माना प्रैक्टिस करते हैं। और तुम्हारी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाती है। वो हठ योग करते हैं, उनके सन्मुख बाप होता नहीं, इसलिए हठ योग करते हैं। और तुम्हारे सन्मुख बाप होता है, इसलिए संग का रंग स्वतः ही लग जाता है। सारी दुनिया साधु संत महात्माओं के पीछे भटकती रहती है, धक्के खाती रहती है, पीछे पड़ती है। और अभी देखो तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ता। अभी तुम बच्चे जानते हो, वो साधु संत महात्मा नहीं जानते हैं। क्या क्या नहीं जानते? तुम क्या जानते हो? कि बाप आया हुआ है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, यानी कि बुद्धि में सदा काल बैठता है कि बाप आया हुआ है, सुप्रीम बाप। और कोई कोई की बुद्धि में कभी बैठता है बाप आया हुआ, कभी बुद्धि में से बिल्कुल उड़ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम घड़ी घड़ी बाप के पास जाते हैं। क्या क्यों जाते हैं बाप के पास घड़ी घड़ी? मन बुद्धि इसलिए जाते हैं कि जिसके पास जाएंगे वैसी दृष्टि वृत्ति और कृति बनेगी। जिसका संग करेंगे वैसी स्थिति बनेगी। तुम जानते हो कि बाप के पास जाने से उनकी श्रीमत पर चलने से हमको वो ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ बनाते हैं। उनके पास जावेंगे, मन बुद्धि से जावेंगे, दृष्टि से देखेंगे, वाचा से बोलेंगे या कान से सुनेंगे। चलो टेलीफोन के द्वारा ही तो भी सुख के सागर के संग से हमारी स्थिति क्या बन जाएगी? सुख में ही बन जाएगी, शांति महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है कि वो हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। यहाँ इस दुनिया में है सबकी भ्रष्ट से भ्रष्ट मत। वो सब भ्रष्ट ही बनाते हैं और ऊंच से ऊंच बाप ऊंच ही बनाते हैं। इस दुनिया के माँ बाप, चाचा, काका, गुरु गुसाई आदि जो भी है सब की है नीचे मत। इसलिए बोला लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। पर ऐसे भी कोई बुद्धू है कि सोचते बाबा ने तो कहा लौकिक संबंधियों की मत पर नहीं चलना है और न उनसे कुछ पूछना है। बस अपनी ही मत पर चल पड़ते हैं। बस उनसे नहीं पूछना है, उनकी मत पर नहीं चलना है, तो आखिर चलना किसकी मत पर है? जरूर जो ऊंच से ऊंच मिला है उसकी ऊंच मत पर चलना है। जन्म जन्मांतर उनकी मत पर चलने से तुम नीचे बन गए। किनकी मत पर? मनुष्य मात्र की मत पर। चाचा, काका, मामा, ताऊ, माँ, बाप, उनकी मत पर चलने से नीचे बन पड़े। अभी कहते हो बाबा हम तो अब आपकी ऊंच से ऊंच मत पर ही चलेंगे। आप समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेना है। क्या मतलब? कहीं जा रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ाया, श्रीमत दो, दूसरा कदम आगे बढ़ाया, श्रीमत दो, ये मतलब तो नहीं होगा। क्या मतलब हुआ कि जो भी कार्य हम करें, कोई भी काम करने के लिए हम कदम बढ़ाएं तो बाप से मत ले लें। हमारी बुद्धि मोहमयी ममतामयी है। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है, प्रभावित होने वाली है। लेकिन बाप तो कोई से प्रभावित होने वाला नहीं है। तो कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप समझाते हैं, इन गुरुओं आज ने तुमको डुबोया है। रावण राज्य में जो भी मनुष्य होंगे सब रावण की मत पर तुमको असुर और दुखी बनावेंगे। असुर भी बनावेंगे और दुखी भी बनावेंगे। अब एक ही बाप तुमको सुखी बनाते हैं। अब माना कब है दंगम में? ये मुरली कौन से टाइम की है? 67 की। तो ये बात लागू होती है, लागू होती है। 67 की ही बात नहीं है। बाप तो बाप के रूप में मत देने के लिए, रास्ता बताने के लिए 36-37 से ही आया हुआ है। पहचानने वालों ने पहचाना, फॉलो करने वालों ने नंबरवार फॉलो किया। आदि में भी किया और अब अंत में भी नंबरवार फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि रावण की मत पर तुच्छ बुद्धि बने हो। अभी तुम किसी और की मत पर नहीं चलो। क्यों? हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कनेक्शन हो जाए, वो हमें बुला ले, उसकी बात नहीं मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। बाप से तो ऊंचा नहीं है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हें बुला ले है? जो दुनिया का ऊंचे से ऊंचा संगठन है, विश्व संगठन, उसका अध्यक्ष तुमको बुला ले? मुख से कहना तो बहुत सहज। जब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, ऐसी कुर्सी साथ में बैठने को मिलती है और भीड़ सामने दिखाई पड़ती है, तो भीड़ जिसके पीछे पड़ती है वो भीड़ माँ खाई खराब कर देती है। जैसे यज्ञ की आदि में दादा लेखराज सिंध हैदराबाद से अकेले भागे थे। शादी के बंगले में जाकर बैठ गए। कोई ऐसी बात उठी होगी, पवित्रता के ऊपर बखेड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये धोबी घाट तो यज्ञ के आज से ही चलता चला आया है। दिन हैदराबाद के धनी मानी प्रतिष्ठित लोग अब जब पीछे पड़े। कोर्ट में केस गया, तो कौन ने मुकाबला किया और कौन भाग खड़ा हुआ? जो आज में हुआ तो अंत में भी एडवांस पार्टी में होता है। बाद में ये न कहने प्रकारण जब सन 47 में हिंदू मुसलमानों का खून खराबा हुआ तो धनी मानी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जो कन्याएं, माताएं, बहुएं साथ साथ तालों के अंदर डाली गई थी, उन सब को मौका मिल गया। बात खड़ी हुई तो बात कर कहाँ पहुंची होगी? प्रजापिता की तो बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं था, वो तो पहले ही चला गया। फिर वो कन्या माताएं कहाँ पहुंची होंगी? कराची में पहुंची। अब कराची में 300-400 की जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो नशा ही चढ़ गया। नशा चढ़ गया और शिव बाप ने प्रवेश कर लिया। जो आज की दुनिया में भी शिवो हम कह के बैठते हैं, कितने नशे से वाणी चलाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल बात थी। देवा सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा में प्रैक्टिकल में प्रवेश किया। भला बाप टीचर सतगुरु के रूप में प्रवेश नहीं किया, माँ के रूप में प्रवेश किया। तो भी नशा चढ़ गया। तो भीड़ और फॉलोअर्स रामकृष्ण जैसी आत्माओं का भी माथा खराब कर देते हैं। गीत बनाए हुए हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। इसलिए बोला कि अभी तुम पक्का कर लो कि हम और किसी की मत पर नहीं चलेंगे। किसी की मत पर नहीं चलेंगे माना? ब्रह्मा चेतन में शिव बाबा आता है, बैल के ऊपर शंकर सवारी करता है और शंकर में भी शिव बाबा आता है। तो रामकृष्ण किसी की मत पर नहीं चलेंगे क्या? जो राम है वही तो निराकार और साकार राम है, और जो कृष्ण है अपने अंतिम जन्म में उसी में तो शिव बाप आते हैं। तो ब्रह्मा कोई मत देते हैं तो उस पर नहीं चलेंगे क्या है? ब्रह्मा की मत पर चलेंगे? ब्रह्मा श्री है, ब्रह्मा श्री से श्री है, माना अलग से जब मत देते हैं तो श्रेष्ठ मत नहीं हो सकती। लेकिन जब वाणी चलती है वो तो वाणी को क्या कहेंगे? वेद वाणी। उसके ऊंचा कोई शास्त्र होता ही नहीं, वो असली ज्ञान की वाणी है। तो फिर गीता को ज्ञानामृत नहीं कहेंगे अभी, तो गीता भी कहाँ से निकली? गीता माता कहा जाता है तो कहाँ से निकली है? ब्रह्मा के मुख से निकली ना। लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो गीता माता का ज्ञान निकला उनको भी मूल में ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा ब्राह्मण बना तो उसकी माता कौन और पिता कौन? लेकिन के आज में कोई माता थी ना निमित्त, तो वो माता हुई और माता थी तो पिता भी था। कहते हैं कृष्ण बच्चा पहला पत्ता है, तो शूटिंग कहाँ होती है? संगम के आदि में भी इस बात की शूटिंग होती है। तो बोला कि तुम शिव बाबा के सिवाय और किसी की मत पर न चलो। शिव माना ज्योति बिंदु और बाबा माना साकार। वो ज्योति बिंदु सेवा जब साकार में प्रवेश करके बाबा का फादर या ग्रैंडफादर के रूप में संसार में आता है, उसको अगर पहचान लिया तो और कोई कीमत की परवाह नहीं करनी है। इन गुरुओं आदि ने तो तुमको डुबोया। किन गुरुओं ने है? दीदी दादी दादा है और उनका भी कोई गुरु है कि नहीं? कौन उनका गुरु हुआ? साकार रूप। इस साकार के रूप में उनकी बुद्धि फंस गई, कुखवंशावली बन पड़े, मुख से निकली हुई वाणी को नहीं पहचाना कि वो वाणी सदा शिव की वाणी है। तो मुखवंशावली के बजाय कुखवंशावली बन पड़े। तो इन गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु कौन हुआ? अरे दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु जो पहला नंबर मनुष्य गुरु है वो कौन हुआ? है कोई कहता है प्रजापिता, कोई कहता है ब्रह्मा, है ब्रह्मा कुमारका दादी का भी कोई गुरु था हैं? था कि नहीं था? तो बड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। बड़े से बड़ा देहधारी धर्म गुरु है। ऐसे से जाएगी कुमारका दादी का। तो बड़े से बड़ा गुरु इस संसार का पहले से पहला मनुष्य गुरु ब्रह्मा हुआ। तो डुबोने वाला हुआ या उद्धार करने वाला हुआ? डुबोने वाला हुआ। तो बोला इन गुरुओं ने तुमको डुबोया है। काय में डुबोया है? विषय सागर में, विषय विकारों में डुबोया है। इनका ज्ञान कंप्लीट ज्ञान नहीं है। ये 100% सच्चा ज्ञान देने वाले नहीं है। एक बाप ही सच्चा पातशाह कहा जाता है। वो हमको सत्य रास्ते पर बताने वाला, ले जाने वाला है, सत्य धाम में ले जाता है, सत्य युग में ले जाता है। और मनुष्य मात्र घोर से घोर पति तक कलयुग में ले जाते। और सब है डुबोने वाले। एक है हमारी बुद्धि को उद्धार करने वाला। उस एक को पहचानना ये तुम बच्चों ने सीखा है। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में जो भी मनुष्य होंगे वो सब रावण की मत पर तुमको असुर और दुखी बनावेंगे। असुर भी बनावेंगे और दुखी भी बनावेंगे। जो खुद दुखी होता है वो दूसरों को भी दुखी करता है। जो खुद दूसरों से उत्तेजित होता है वो दूसरों को भी उत्तेजित करता है। बाप न दुख लेता है न दुख देता है। वो सुख दाता है। उसको आनंद का सागर कहा जाता है। तो तुम पतित पावन बाप को बुलाते हो। जन्म जन्मांतर बुलाते चले आए। तो अभी भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी भी डुबोने वालों के पीछे पड़ते हो। इन डुबोने वालों के पीछे क्यों पड़ते हो? ये तो बेसमझ बुद्धि हो गई ना। क्या कोई एक बार गलती करे फिर दूसरी बार वही गलती कर दे, फिर तीसरी बार चौथी बार 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 गलती करता रहे तो उसको कैसी बुद्धि कहा जाएगा? समझदार बुद्धि या बेसमझ बुद्धि? समझदार बनते ही नहीं है। बाप कितना समझाते हैं, एक की मत को छोड़ करके धक्के खाते ही रहेंगे, फिर भी जाए गंगा स्नान करेंगे। यहाँ तो कोई नहीं गंगा स्नान करता, कोई करता है क्या? अभी करते हैं। अभी हम लोग करते हैं गंगा स्नान, अभी भी करते हैं। चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करते हैं। वो पतित पावनी है, बुद्धि में बैठा हुआ है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा वो पतित पावनी है, जरूर है। हो गया कल्याण। उन पतित पावनी की बुद्धि को माया नहीं बरगलाती, बरगलाती है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में कितना धक्के खाते रहते हैं। गंगा स्नान करेंगे, गुरुओं के पास जावेंगे, बाप फिर भी कहते हैं वो गंगा या गुरु कोई पतित पावन थोड़े ही है। कोई पतित पावन नहीं, फिर भी तुम आसुरी मत पर चल करके जा करके गंगा स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे कि मेरी मत से ऊंच मत पर तुमको भरोसा ही नहीं है। क्या अगर बाप की मत पर चलते चलते कोई की बुद्धि में बैठ जाए विष्णु अवतार हुआ है, विष्णु भगवान आए हैं और उनकी मत पर चल पड़े तो बाप क्या कहेंगे? बाप कहेंगे भले तुमने निश्चय पत्र तो लिखा है, भरोसा पत्र तो लिखा है, लेकिन वास्तव में तुमको भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। दूसरी तरफ और एक तरफ का युद्ध हो रहा है? युद्ध हो रहा है कि रस्साकसी हो रही है? क्या हो रहा है? ये भी युद्ध हो रहा है। राम रावण, इसको राम रावण युद्ध कहो, देवासुर संग्राम कहो, महाभारत युद्ध कहो, बात एक ही है। रस्साकसी कहो, कभी असुर अपनी तरफ खींच लेते हैं और कभी देवताएं अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जो आसुरी मत पर चलते रहेंगे, आसुरी मत पर चलने के आदी हो जाएंगे, उनका हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? जन्म दुखी बनेंगे। हाँ, उनका हाल ये होगा कि डूबते ही रहेंगे। यहाँ डूबते हैं और वहाँ भी डूबते ही रहेंगे। जो डूबोने वाले धर्म है ना, उनमें डूबते उतर आते रहेंगे। ओम शांति।